देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। ये मेथड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल आपको मालूम हल्का हल्का है, और हल्का हल्का सबको मालूम है, ठीक है। ये समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है, ठीक है। ये मतलब नहीं समझ में आ रहा मतलब आप में को दिक्कत है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये टेंथ लेवल में ठीक नहीं थी, ठीक है, नाइन्थ में थी। तो सबसे पहले यू वी ए और टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखिए थोड़ी कहानी, एट अ बॉडी इज मूविंग। पहले ये हेडिंग पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहां पर एक चीज लफड़े वाली समझिएगा ध्यान से। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम है, एक बस हो गया, नहीं नहीं उतना ही ठीक है जितना ठीक है, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम का मतलब होता है कि हो सकता है बॉडी यहां से यहां तक गई हो और 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो और टोटल टाइम उसको 30 सेकंड लगा हो। तो ये वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी आप निकालते हो, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, वहाँ भी वही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, तत्काल उसी वक्त, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमने कहा था टाइम चेंज बहुत ही स्मॉल मानना पड़ता है, और उसको फिजिक्स की भाषा में हम क्या लिखते हैं? ds बाई dt, बताया गया था। तो हम यहाँ हर चीज इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, तत्काल, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिएगा, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू आफ्टर टाइम टी, द वेलोसिटी बिकम्स वी। ये तो फाइनल हमने बता दिया, आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी बिकम्स वी। अब देखिए, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यू लिखा और वी लिखा है। जरा ध्यान से समझिएगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी यू थी, फिर वेलोसिटी वी हो गई, एकदम से वी हो गई क्या? 50 वेलोसिटी थी और जीरो हो गई, कैसे हुई जीरो? 50 और जीरो क्या हुआ पहले? 50, 49, इस प्रकार से कम होते होते गया होगा ना। तो यानी कि हमने तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया आपको, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट इन टाइम डी टी द वेलोसिटी चेंजेस टू डी वी। डी मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज, मतलब उतना चेंज है कि वो लगभग जीरो समझ लीजिएगा, जीरो है नहीं। लेट इन टाइम डी टी द वेलोसिटी चेंजेस बाय डी वी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, क्या होता है? ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। नहीं समझे? ये एक्चुअली कौन सा एक्सेलरेशन है? ये इंस्टेंटेनियस है। इसकी आवश्यकता क्या है? इससे काम चल रहा है ना, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने कहा बॉडी की वेलोसिटी यू थी और वी हो गई, बस। रास्ते में क्या चेंज हुआ हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि पहले यू थी, पहले 50 थी, 49, 48, 47, 46 कम होते होते जीरो ही होगी ना, ठीक है। बोले नहीं नहीं, 50 से एकदम से जीरो हो गई, 50 से जीरो हो गई तो टाइम कितना लगा? 30 सेकंड, माइक्रो सेकंड लगा होगा, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वी बराबर क्या हो गया? ए डी टी। अब जरा समझिएगा, एक मिनट, डी टी टाइम में कितना चेंज हुआ? डी वी। फिर अगले डी टी टाइम में डी वी, अगले डी टी टाइम में डी वी, अगले डी टी टाइम में डी वी, सबको उठा के आपने ऐड किया है ना, तभी तो एक्सेलरेशन पूरा निकला है। डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब यहाँ दो तरीके हैं, हमारी मेथड और बुक के मेथड में थोड़ा चेंज आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कहाँ चेंज आएगा हम बता रहे हैं। इंटीग्रल ये डी वी हुआ, इधर इंटीग्रल ए डी टी हुआ। अब जरा सावधान, ये जो इंटीग्रल करते हैं उसमें लिमिट नहीं रखते, वहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट निकालने के लिए इस इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ती है। यहाँ मैं लिमिट रखूँगा, सावधान। ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है?
टी के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। इनिशियल टाइम क्या माना जाएगा, जीरो। टाइम कहां से स्टार्ट होगा, जीरो, तो टाइम की इनिशियल लिमिट क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी। मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, आप डिस्टर्ब ही करेंगे आपस में एक दूसरे को, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती। यू थी ना, इनिशियली का मतलब क्या होता है, जब टाइम आपने काउंट करना शुरू किया वो इनिशियल हुआ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या हो गई, यानी यहां टी की लिमिट होगी, यहां वेलोसिटी की लिमिट होगी। अब देखिए फाइनली टाइम कितना आपने लिया है, टी, और फाइनल क्या हो गया यहां पर, वी। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई, बस ये लिमिट नहीं रखी इन्होंने। ठीक है, हम बुक का मेथड भी बता देंगे लेकिन हम बुक का मेथड यूज नहीं करेंगे। अब जरा समझिएगा, अभी हम इंटीग्रल दो बताए थे, अगर केवल डीएक्स लिखा हो और कोई भी एक्स का फंक्शन ना लिखा हो, तो मान लीजिए वन डीएक्स लिखा हुआ है और वन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, और अगर एक्स टू पावर एन लिखा हो और डीएक्स लिखा हो, तो एक्स टू पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होता है। दो फॉर्मूले बताए हमने। यहां देखो केवल डीवी लिखा हुआ है और कोई भी वी का फंक्शन नहीं, वन लिखा है, तो डीवी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये तो हमने बताया आपको, तो डीवी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वी। इंटीग्रल करने के बाद लिमिट का क्या होता है, हमने कहा इंटीग्रल करने के बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहां अपर लिमिट और यहां लोअर, सॉरी यहां लोअर लिमिट, यहां अपर लिमिट रख देंगे। ये बताया हमने, यहां पे आइए, इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी का कोई फंक्शन लिखा हुआ है इसमें, टी का हो, टी के टर्म में कुछ और लिखा हुआ है, तो ए तो बाहर चला जाएगा, ए से कहा जाएगा डी टी बाई टी का फंक्शन, आप बाहर बैठिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, डी टी के साथ कुछ लिखा हुआ है, वन लिखा है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, समझ में बात आ रही है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी। लिमिट कैसे रखेंगे आप, जीरो से टी, समझ में आ गई बात। अब लिमिट रखने का तरीका हमने क्या बताया, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे वी की जगह, तो वी हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, यहां पे आ जाओ ए, टी की जगह अपर लिमिट टी, फिर माइनस जीरो, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस ए टी। समझ में आई बात, नहीं आई, ये इंटीग्रेट, ये हमने वैल्यू क्यों लिखी, समझ में आई बात, क्योंकि वेलोसिटी यू से वी आपने बता दी है, रास्ते में क्या चेंज नहीं हुआ है, चेंज होते होते वी हुई है ना, तो इसलिए ये तरीका होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो बुक में प्रूफ किया गया है वो ये मानते हैं कि अभी आपको इंटीग्रल आती ही नहीं, अभी तो आप टेंथ क्लास जुमा जुमा पढ़ के बड़े हुए हैं, जैसे होता नहीं लड़का जो भैया भैया चलता है, एक दिन पहले दिन खड़ा हुआ, मम्मी कह रही खड़ा हो गया लड़का, फोटो खींचो फोटो खींचो, स्टैंडिंग बेबी ऐसा कुछ लिख करके स्टेटस पे लगा दिया, और स्टैंडिंग बेबी लगाया, स्टैंडिंग बेबी फिर गिर गया, तो आप तो स्टैंडिंग बेबी हुए अभी आप। तो उन्होंने बुक वालों ने क्या कहा कि इनको इंटीग्रल तो आता है तो लिमिट ना लगाओ, उन्होंने लिमिट नहीं लगाया, तो अगर लिमिट नहीं लगाओगे तो फिर कैसे लगाओगे, जरा समझिएगा, डीवी का इंटीग्रल क्या होगा, वी, लिमिट नहीं है ना, और एटी इसका इंटीग्रल क्या हुआ, एटी, और इसमें क्या हुआ, एक कांस्टेंट जोड़ दिया इन्होंने, सी, इधर जोड़ो या उधर जोड़ो, एक तरफ जोड़ेंगे, यहां सी क्या है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ, वेयर की स्पेलिंग डब्ल्यू एच ई आर ई होती है, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी बहुत सारे गांव वगैरह में सब स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारे एमएससी एमएससी करके निकले हैं लड़के, तो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने इंटीग्रल पढ़ाया और सी जुड़ा हुआ था, तो भाई साहब ने बच्चों को बताया कि सी मैंने कैलकुलस होती ना, कैलकुलस में सी जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं पता नहीं, फिलहाल हम भी नहीं बता रहे, मैथ बताया जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, हमको सी निकालना पड़ेगा, हमने इसके पहले वाले में क्या किया था, लिमिट रख दी थी, अब यहां हमको सी निकालने के लिए लिखेंगे अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हम इसी में लगा रहे हैं, सब में लिमिट रखेंगे हम। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, वो कंडीशन जो आपको मालूम है, इनिशियल मतलब शुरुआत में, इनिशियल कंडीशन में क्या था, टाइम कितना था, जीरो, जिस समय टाइम जीरो था उसमें वेलोसिटी क्या थी, यू थी, यानी वी को क्या ले सकते हैं, यू, तो इक्वेशन नंबर वन में हम वी की जगह क्या रख देंगे, यू, और टी को क्या रख देंगे, जीरो, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू, सी निकल आया, बस इनिशियल कंडीशन हमको सी निकालने के लिए दी गई थी। अब सी की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर वन में रख दो, तो बाई इक्वेशन वन ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू
at और प्लस u, हो गया प्रूफ, नहीं समझे? तो ये आप, ये ज्यादा सही है कि लिमिट वाला ज्यादा सही है? हैं, लिमिट वाला आपको मालूम है, जब dt है तो टाइम की लिमिट रखनी है, और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी लिमिट रखनी है, ठीक है? तो आप और करके कहीं अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कहीं कहीं पर इनिशियल कंडीशन लिखी होती है, कहीं कहीं पर बाउंड्री कंडीशन लिखी होती है। बाउंड्री मतलब इनिशियल, कहीं कहीं बाउंड्री लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइए, इसको और करके कहीं नोट कर लीजिएगा, दोनों मत लिखना। अब लिखिए सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरा समझने की कोशिश करिए पहले, फिर हम बात करें। मतलब किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। आफ्टर टाइम टी उसकी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस। आफ्टर टाइम टी तो टोटल टाइम टी और टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है? अब हमको तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, थोड़ी कहानी लिखिए। लेट इन टाइम डी टी, पहले वाली थ्योरी पूरी लिखेंगे। लेट बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बिकम्स वी एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस। ये फाइनल फाइनल पूरा, और फिर इंस्टेंटेनियस शुरू करेंगे। लेट इन टाइम डी टी द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू डी एस। इन टाइम डी टी मतलब डी टी टाइम में द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू डी एस। सो द वेलासिटी ऑफ द बॉडी, वेलासिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई डी एस बाई डी टी। यही तो वेलासिटी होती है, यही तो वेलासिटी होती है एक्चुअली में। ये वेलासिटी कौन सी है? आफ्टर टाइम डी टी जो वेलासिटी हो गई है, तो पहले कुछ वेलासिटी रही होगी ना, तो बाद में कितनी वेलासिटी हो गई? वी हो गई है। तो यानी कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा। v तो आपकी वेलासिटी आफ्टर टाइम t है ना, या आफ्टर टाइम डी टी है ना। पहले कुछ वेलासिटी, पहले वाली वेलासिटी कितनी थी? u थी ना, और आपके प्रूफ में v नहीं लाना है, क्या लाना है? u लाना है। तो v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी। तो v को क्या लिख देंगे? u प्लस ए टी। तो डी एस इज इक्वल टू, v को लिख दिया u प्लस ए टी डी टी। क्या आपने किया है? वेयर v इज इक्वल टू क्या लिखा? u प्लस ए टी। dt को अंदर ले जाओ तो ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। हम कांस्टेंट प्लस नहीं करेंगे, लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्योंकि इंटीग्रल नहीं पढ़ाया गया, फिजिक्स में यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब देखो इंटीग्रल करने का तरीका, लिमिट हम बाद समझाते हैं। इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू इधर इंटीग्रल यू डी टी प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी। यहां तक पहुंचे, फिर लिमिट के बारे में बात करते हैं। देखो सावधान, अब जो डी एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी लिमिट रखने हम जा रहे हैं। अब एक लफड़ा है, हो सकता है जब आपने चलना शुरू किया, ये टाइम है, इनिशियल टाइम क्या माना जाएगा? इनिशियल टाइम क्या माना जाएगा? जीरो। तो टाइम की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? भाई यहाँ भी डीटी है ना, तो यहाँ भी टाइम की लिमिट जीरो, यहाँ भी टाइम की लिमिट जीरो। जिस समय टाइम जीरो था उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? जरूरी है जीरो हो भाई। जैसे हमने समय देखना शुरू किया और ये रेफरेंस लाइन यहाँ आप खड़े हुए हैं, इस लाइन से दूरी जो है ली जा रही है, आप यहीं पर खड़े हुए हैं, तो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप पहले से दो मीटर दूर खड़े हैं, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को हम मान रहे हैं एक्स वन, एक्स मानो, एस मानो, जो भी मानो, एस वन मान लो तो अच्छा लगेगा। इनिशियल हम क्या माना? एस वन। समझ में आई बात नहीं आई? यहाँ जीरो भी मान सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फाइनल टाइम की लिमिट क्या होगी? टी। यहाँ भी टी और बाद में कहाँ पहुँच गए? एस टू। पहले हमसे आप दो मीटर दूर थे, पहले जब हम टाइम देखना शुरू किए थे तब आप हमसे दो मीटर दूर थे। ये हो सकता है कि आप इसी लाइन पे खड़े हो हमारे साथ, तो आपकी हमसे दूरी कितनी है? जीरो, क्योंकि हम दूरी इस लाइन से काउंट कर रहे हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ जीरो भी हो सकती है, हमने एस वन लिखा है। अब जरा इंटीग्रल पे ध्यान देते हैं। सावधान, यहाँ अकेला डी एस है, डी एस के साथ एस का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो डी एस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। हमने कहा था अकेला डी एक्स, एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका इंटीग्रल एक्स होता है, इसका इंटीग्रल एस हो जाएगा।
लिमिट रखने का तरीका, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ अपर लिमिट, इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए, ये डी टी है, यू टी का फंक्शन नहीं है, यू से हम कहेंगे बाहर बैठो जा करके, डी टी अकेला है, डी टी अकेला है तो इंटीग्रल क्या होगा, टी हो जाएगा, इसको टी लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, लिमिट प्लस ए बाहर, यहाँ टी का फंक्शन है टी की पावर वन, डी टी के साथ टी की पावर वन है ना, और अभी हमने कहा था कि अगर डी एक्स के साथ एक्स पावर एन लिखी हुई हो तो इंटीग्रल क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान, तो यहाँ टी की पावर कितनी लिखी हुई है, वन लिखी है ना, कहाँ से बता रहे हो, टी की पावर वन लिखी हुई है, तुम तो बिल्कुल जैसे गौ नहीं नहीं होते, आधी लेडीज गाती हैं आधी लू क्या करती है, जय माता दी, जय माता दी, ध्यान से सुनिए ठीक है, और हर बात को हंसी में लिया करिए, सीरियस मत हो जाया करो, लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट, ध्यान से समझिएगा, एस टू माइनस एस वन, यहाँ पे आओ यू, यहाँ अपर लिमिट क्या होगी, टी माइनस जीरो, ये क्या लिखा है, टू बाहर निकाल लो, वन बाई टू ए, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या होगा, टी टू पावर टू, अपर लिमिट रखो क्या आएगा, टी टू पावर टू, लोअर लिमिट रखोगे तो जीरो, अब जरा समझिए इसको बाद में बात करता हूँ, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, पहले यहाँ पहुँचे फिर इसके बारे में बात करते हैं, नोट करिए, अब जरा देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या लफड़ा है, ये है इनिशियल लाइन, वैसे इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहीं से दूरी आपकी नाप रहे हैं, वहीं आप भी खड़े हैं, ठीक है, और वहीं दो लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, खुबड़ी खड़े हो जाओगे, तो हमने इसलिए वो एक लाइन खींच दी है, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, यहाँ से पहले आप दो मीटर दूर थे, यानी पहले आप एस वन मीटर दूर थे, ठीक, और बाद में चार मीटर अप हो गए, तो कुल कितना, या पाँच मीटर हो गए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आई ले थ्री, दो थे फिर पाँच हुआ, थ्री हुआ ना, यानी कि एस टू माइनस एस वन क्या चीज़ है, यह है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, s, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ में आई बात नहीं आई, यहाँ पर हमने किया क्या है, यार s2 माइनस s1 को हमने क्या माना है, s माना है, ये कहीं पर x1 x2 लिखा होगा, कहीं पर xi इनिशियल एंड xf फाइनल लिखा होगा, वो लिखने का तरीका अलग की बात है, ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, लिखिए इसका प्रूफ करते हैं, थोड़ा सावधानी से करिएगा इसको, लिखिए लेट इन टाइम डी टी, पहली थ्योरी तो वही लिखेंगे, यू वी और ए वाला पूरा वो फाइनल वाला होगा, ये इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा जा रहा है, लेट इन टाइम डी टी द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस डी एस, द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस डी एस एंड इन द मीन टाइम, मतलब इसी टाइम में, इसी तरह टाइम के दौरान, इन द मीन टाइम द वेलोसिटी चेंजेस टू डी वी, द वेलोसिटी चेंजेस टू डी वी, मतलब डी टी टाइम में बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो डी एस किया है, और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, डी वी, अब देखिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब बॉडी में डिस्प्लेस वो एक्सेलरेशन है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी, अब यहाँ एक लफड़ा, अगर इसको ध्यान से देखिए तो पहली इक्वेशन में यही लिखा गया था, यहाँ पर टी आ रहा है और आपकी इक्वेशन में टी नहीं आ रहा है, तो टी को कहीं ना कहीं से गायब करना पड़ेगा, और एस यहाँ पर नहीं आ रहा है, एस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सावधान, ए इज इक्वल टू, अगर मैं डी वी को डी एस से डिवाइड कर दूँ इंटू डी एस बाई डी टी कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हमने डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एस से डिवाइड कर दिया, इसको पहचानते हैं क्या लिखा है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको वी लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू डी डी वी बाई डी एस इंटू वी, क्योंकि आप जानते हैं एज डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी लिखा जा सकता है, ये वी मतलब एक वेलोसिटी है जो आफ्टर टाइम टी है,
कोई एक स्मॉल टाइम चेंज हुआ है तो वेलासिटी चेंज होकर के क्या हो गई है, वी हो गई है, ठीक है। अच्छा डी वी के साथ वी की रिश्तेदारी है तो इसको लिख सकते हैं वी डी वी इज इक्वल टू एस ए डी एस, टाइम गायब हो गया, वेलासिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सावधान, इसको इंटीग्रेट किया वी डी वी, बुक वाली उससे जो है कंफ्यूज ना होना क्योंकि वहां पर लिमिट नहीं रखते हैं वो, हमने लिमिट रखना सिखा दिया, ऐसे लिमिट रखने से वो इनिशियल कंडीशन रिलेशन जो होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर आते हैं या लोअर लिमिट में इनिशियल लिमिट, यहां पे आओ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो इनिशियली यहां क्या रखेंगे यू, यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, डीएस, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो भी हो सकता है और एस वन भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे एस वन। जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो उसमें एस वन लिखी होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी वी, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस टू, समझ आई बार नहीं आई, ये नोट हो गया, नोट करिए इसको। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, जो यहां पे आइए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वी के रेस्पेक्ट में करना है ना, और वी का फंक्शन दिया है ना यहां पर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा इंटीग्रल, अभी बता चुके ना कई क्वेश्चन, वी टू पावर वन है ना यहां पर, तो बिल्कुल एक्स फॉर एन तरह ट्रीट करेगा ना, इसका इंटीग्रल वी टू पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन होगा, नहीं होगा, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, वही तो यहाँ होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और यहाँ लिमिट बाहर रख दीजिएगा, इज इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा, अकेला डी एस लिखा हुआ है, अकेला डी एस है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इसका इंटीग्रल एस हो गया, और लिमिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट, यहाँ पे क्या बचेगा वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट यहाँ रख देंगे यू टू वी, और यहाँ पर आएगा ए, ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन, देखो वन बाई टू तो बाहर कर दो, वी की जगह अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये क्या लिख रहा हूँ ए, ये एस होता है, इसको हमने क्या मान लिया एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, तो टू को उधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, समझ में आई बात नहीं आई, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन बाई कैलकुलस मेथड, ये तीन इक्वेशन हैं कैलकुलस मेथड से, ठीक है, इन्हें आप याद भी कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है।